ये घोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा पिता महाराज, परंतु आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो पहले ही आ गया होता, परंतु जब मैंने देखा सालवक सेना हस्तिनापुर राज्य की सीमा को पार करके उसे अपमानित करने ही वाला था, तो मुझे रुकना पड़ा। सालवक सेना, इनके विषय में आप जो आज्ञा दे पिताजी। सेनापति, मुझे बालक समझकर तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी सालू कुमार। मैंने पहले ही कहा था कि तुम अपनी सेना लेके लौट जाओ, किंतु तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। कुमार को अब तक आ जाना चाहिए महामंत्री, उन्हें देखने के लिए सवार भेजे जाएं और हमारा रथ भी तैयार किया जाए। जो आज्ञा महाराज। हस्तिनापुर राज्य की सीमा का चिन्ह है। साल कुमार, अपनी सेना को लेकर लौट जाइए। हम हस्तिनापुर लेने आए हैं बालक, जाओ घर लौट जाओ बालक, कहीं चोट आ जाएगी। मैं फिर सावधान करता हूँ साल कुमार। तुम कौन हो बालक? मैं गंगा पुत्र देवरथ हूँ। गंगा पुत्र हो तो जाओ गंगा में बह जाओ। सैनिको आक्रमा। पुत्र राजकुमार की जय हो। अरे देवरथ के आने का समाचार तुम्हें कैसे मिला? राजकुमार के आने का समाचार तो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है महाराज। तुम व्यापारियों को बोलना बहुत अच्छा आता है, क्या लाए हो? बस एक घोड़ा। बस एक घोड़ा? परंतु यह घोड़ा लाखों घोड़ों पे भारी है महाराज। तुम्हारा कथन असत्य हुआ तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, और यदि कथन सत्य निकला तो तुम्हें 50 गांव का राजा और वैश्य से क्षत्रिय बना दूंगा। पिताश्री, आपकी आज्ञा हो तो मैं उस घोड़े की जांच कर लूं। आज्ञा है पुत्र। आओ पुत्र, तुम्हें तो तुम्हारी माता ने विद्या धनी बनाकर हमारे पास भेजा है। विद्यार्थी सदा विद्यार्थी ही होता है पिताश्री। विद्यार्थी तो केवल विद्या का प्रसाद ही पाता है। वो प्रसाद हमें बांटो पुत्र, इस प्रसाद के उपरांत किसी और प्रसाद की आवश्यकता नहीं रह जाती पुत्र। सदा सुखी रहो। इन्हें प्रणाम करो पुत्र, ये हमारे सारथी ही नहीं हमारे मित्र भी हैं। राजकुमार की जय हो। जय बोलनी है तो हस्तिनापुर राज्य की जय बोलिए, क्योंकि राज्य राजा और राजकुमार दोनों से बड़ा होता है। जय हस्तिनापुर। हे महाराज, आप कौन हैं? मैं तुम्हारा पिता और हस्तिनापुर नरेश शांतनु हूँ पुत्र। महाराज, ये तो चमत्कार हो गया। प्रणाम पिताश्री। कुछ समय बाद सारथी, ये अद्भुत बालक कौन है जिसने वर्षा के पानी को रोक दिया? महाराज, ये तो देखने में युवराज प्रतीत होता है। बालक, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। मैं गंगा पुत्र देवरथ। प्रिये, मेरा आठवां पुत्र मुझे लौटा दो। नहीं महाराज, उचित समय आने तक मैं इसे लौटा दूंगा। कुछ थे, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक तक देखते रह गए। मेरे पिता को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हम दोनों को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे डाला। किंतु आपने मेरे सातों पुत्रों को नदी में क्यों बहाया? मन मेला ना कीजिए, आपके आठों पुत्रों को ऋषि वशिष्ठ ने पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया था। मुझसे उनका दुख देखा न गया तो मैंने उनको वचन दिया कि मैं उन्हें अपनी कोख से जन्म देकर मुक्ति दिलाऊंगी। परंतु ऐसा लगता है कि इस बालक को यह श्राप जीना है। प्रिये, मेरा आठवां पुत्र मुझे लौटा दो। नहीं महाराज, उचित समय आने पर मैं इसे लौटा दूंगी।
मैंने इन बच्चों की हत्या नहीं की है महाराज, इन्हें श्राप से मुक्त किया है। श्राप? हाँ श्राप महाराज, श्राप। कैसा श्राप? मैं स्वर्ग की रहने वाली ब्रह्मपुत्री गंगा इस धरती पर आपके साथ एक श्राप जी रही हूँ और आप मेरे साथ भी एक श्राप जी रहे हैं। मेरे पिता ब्रह्मा का श्राप, आप पिछले जन्म में महाराज महाभीषक जी और देवराज इंद्र के मित्र थे। आप उनकी सभा में नृत्य देखने आए थे। मैं और मेरे पिता ब्रह्मा भी वहाँ उपस्थित थे। नहीं, अब मुझसे ये सहन नहीं होता देवी। आप वचनबद्ध हैं महाराज। जिसने तुम्हें वचन दिया वो चंद्रवंशी राजा था, पर तुम्हें जो रोक रहा है वो एक पिता है। तुम एक एक करके मेरे 7 बच्चों की हत्या कर चुकी हो। अब इस 8वें बच्चे को मैं मरने नहीं दूंगा। गंगे तुम ऐसा क्यों कर रही हो? माँ होकर अपने बच्चों की हत्या, तुम कैसी माँ हो? अरे भैया कुछ सुना? सुना तो सही भैया, कि नदी चाहे गंगा जी ही क्यों ना हो, पर कोई माँ अपने बच्चों को इस तरह बहा सकती है? माँ तो स्वयं ममता की गंगा होती है। लगता है महारानी कोई विशिष्ट माँ है। और क्या, माँ के ऐसे लक्षण होते हैं क्या? महाराज उनसे कुछ पूछते क्यों नहीं? अरे भैया महल की कोई खबर? क्या बताए भैया, महारानी ने अपने साथी पुत्र को भी गंगा में बहा दिया। अगर यही हाल रहा तो महाराज के हाथों से वंश की रेखाएं ही जाती रहेंगी। इस वक्त कैसे आना हुआ राजन? मैं अंधकार के ऐसे दलदल में फंस गया हूँ राजगुरु कि प्रकाश की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही। संभवतः आप प्रकाश को देखने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। ये अंधकार आपकी कोई समस्या है और समस्याएं जूझने के लिए होती हैं। यही तो कठिनाई है राजगुरु, मैं चाह कर भी समस्या से जूझ नहीं सकता। ऐसी क्या समस्या है महाराज? हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आशीष ही होली प्रैंक कॉन्टेस्ट का राजा बने। बेवकूफ, प्रार्थना का क्या काम? वीमेट ओपन करो और वोट दो, उससे ही वो जीतेगा। तथास्तु। यदि मैं समय ना होता तो जो दृश्य मैंने अभी अभी देखा उसे देखकर मेरी आंखें पकड़ा गई होती, परंतु शांतनु के पास मेरी आंखें नहीं है ना, वो तो केवल एक पिता है। उनका दुखा हुआ हृदय किसी प्रकार उस सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं कि स्वयं माँ ने अपने पहले पुत्र को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। शांतनु मौन रहने के लिए वचनबद्ध थे, परंतु मैं उनके दूसरे पुत्र का भी भविष्य जानता हूँ। जैसे मेरे सारे वचन तुम्हारे हुए देवी। सारे नहीं महाराज, केवल एक। एक वचन? कि आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे चाहे मैं जो भी करूं। बस यही ठीक है, मैंने वचन दिया। कुछ समय बाद महाराज की जय हो। राजकुमार के जन्म पर बधाई हो महाराज। तुमने देखा उसे? देखा महाराज। रंग कैसा है? जैसे जैसे दूध में हल्का गुलाल मिला दिया हो। आंखें? आंखें कैसी हैं? बिल्कुल चंद्रवंशी राजकुमारों जैसी महाराज। महाराज की जय हो। पाए मेरे हाथ में कैसे महाराज? यदि तुम हस्तिनापुर की पटरानी बनना स्वीकार कर लो तो शांतनु भी बच जाएगा और हस्तिनापुर राज्य भी। यह सम्मान मैं स्वीकार कर भी सकती हूँ, परंतु देवी मैं एक क्षत्रिय हूँ और क्षत्रियों के शब्द कोश में परंतु जैसा शब्द नहीं होता। तो फिर एक वचन दीजिए। आज से मेरे सारे वचन तुम्हारे हुए देवी। सारे नहीं महाराज, केवल एक। एक वचन? कि आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे चाहे मैं जो भी करूं। बस यही ठीक है, मैंने वचन दिया। यदि आप ऐसा ना कर पाए तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने के बाद आपके जीवन से सदा के लिए चली जाऊंगी। स्वीकार है देवी।
मैं शांतनु हूँ देवी। हस्तिनापुर नरेश शांतनु। मैं गंगा हूँ। मैं इधर शिकार खेलने निकला था। फिर क्या हुआ महाराज? ये तो अभी पता नहीं, पर लगता है किसी चंद्रमुखी मृग नैनी ने मुझे को शिकार कर लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हस्तिनापुर के नरेश को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राजा बिना हस्तिनापुर ऐसा लगेगा जैसे धनुष बिना किसी धनुर्धारी का कधा। अब हस्तिनापुर का क्या होगा महाराज? अब तो हस्तिनापुर के बचाव का तो केवल एक ही उपाय है देवी। तब तो आपको शीघ्र ही वो उपाय कर लेना चाहिए महाराज। यह तो तुम्हारे हाथ में है देवी। VMate.